लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग कर रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। इसके लिए पार्टी ने देश की जनता से मदद के लिए कहा है। इस बीच एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर देश के नाम संदेश जारी किया है। तो क्या कहा है कांग्रेस महासचिव ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। एक तरफ पार्टी ने भारत न्याय यात्रा का ऐलान कर बीजेपी को परेशान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान नाम से भी अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 19 दिसंबर को डोनेट फॉर देश नाम के क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की है। हाल में ही कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर चंदे का हिसाब किताब देश के सामने साझा किया था। तो वहीं अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर देश के लिए संदेश जारी कर बिना नाम लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों को संचालित करने के लिए तिलक स्वराज फंड की शुरुआत की थी। इसका मकसद असहयोग आंदोलन के लिए पैसे जुटाना था ताकि स्वराज की स्थापना हो सके। आज लगभग 100 साल बाद कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। चंद अरबपतियों के लिए काम करने वाली तानाशाह सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया जा सके और संविधान को बचाया जा सके। अब आपको बता दें कि कांग्रेस के इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी के इस आरोप पर बीजेपी क्या जवाब देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।